जो सिस्टमैटिक मार्जिनलाइजेशन एंड एक्सक्लूजन ऑफ माइनॉरिटी कम्युनिटी इन कश्मीर है उसके बारे में बात करने के लिए आए हैं। इस सिस्टमैटिक मार्जिनलाइजेशन के कई एग्जाम्पल्स हैं, सोशल भी है, पॉलिटिकल भी है, इकोनॉमिक भी है, लेकिन हमने आज यहाँ पर चार पांच किस्म के एग्जाम्पल्स यहाँ पर सबके सामने रखी है। सबसे बड़ा एनक्रोचमेंट ऑफ जो हमारी इमूवेबल प्रॉपर्टी जो कश्मीर घाटी में हमने पीछे छोड़ी हुई है उस पर एनक्रोचमेंट, और एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से उस इलीगल एनक्रोचमेंट को क्लियर करने के लिए कोई भी इफेक्टिव स्टेप्स नहीं लेना। इस एनक्रोचमेंट को करने वाले अलग अलग इंडिविजुअल्स भी हैं, माफिया भी है, सरकार भी है, दुर्भाग्यपूर्ण है कि सरकार भी है। इसी प्रकार से टेम्पल्स एंड श्राइन्स बिल उसके नाम पर कोई एक लीगल मैकेनिज्म बने, हमने उस विषय को लिया क्योंकि ये टेम्पल्स और श्राइन्स वो प्लेसेस हैं जहां पर जो कश्मीर की संस्कृति है, जो सिविलाइजेशन, जो भारत की ही संस्कृति का एक हिस्सा है, उसको डेवलप करने में हमारे ऋषियों ने, मुनियों ने तपस्या की है, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए जो लीगल मैकेनिज्म बनाया है समाज के बार बार कहने के बाद भी नहीं बन रहा है। इसी प्रकार से जो एम्प्लॉयमेंट पैकेज 2004 से चल रही है वो पूरी अभी पर कंप्लीट नहीं हो रही है, नए लोग भी निकल रहे हैं लेकिन इस पैकेज को डिले किया जा रहा है, वो रेड टेपिज्म में फंसी हुई है। और इसी के साथ जो इन एम्प्लॉयज के लिए जो वापस वहां पर अंडर पैकेज जा रहे हैं उनके लिए जो अकोमोडेशन चाहिए था उसमें जो 6000 क्वार्टर बने थे नहीं बनाए जा रहे हैं, उसमें भी बहुत स्लो स्पीड है, अभी 500 भी नहीं बने हैं, ऐसा सरकारी रिकॉर्ड हमको बताया जाता है। इलेक्शन प्रोसेस के बारे में भी हमने यहां पर बात करनी है कि जो चाहे वो लोकल बॉडीज को, पंचायत को, पहले तो हमको मनाही उसमें इंक्लूड ही नहीं किया जा रहा था, और अब जो प्रोसेस बताया जा रहा है वो भी टीडीएस है, वो इल्लीगल है, यहाँ के रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट के हिसाब से नहीं है। हम इन पर्सन वोटिंग डालना चाहते हैं बाई पोस्टल बैलेट, वो मैनिपुलेटिव है, हमने उसको रिजेक्ट किया हुआ है, इसलिए वो प्रोसेस को भी हमने यहां पर उजागर किया है। और इसी तरह से